न्यू बीटा आ चुका है। अगर अभी तक आपने बीटा ज्वाइन नहीं किया है तो मेरी बीटा ज्वाइन करने वाली वीडियो है, उससे आप देख के सीख सकते हो कि बीटा ज्वाइन कैसे करते हैं। और गाइस अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो जल्दी से अपडेट कर लो, क्योंकि यार इसमें मुझे ना बंदे मिल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। बीटा आके 12 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक, वैसे यार वीडियो बनाते वक्त 24 घंटे हो जाएंगे लेकिन अभी तक लोग ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। भाई यार बॉट के साथ नहीं खेला जा रहा यार, कहाँ है रियल लोग मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इतनी देर में तो यार पूरी लॉबी भर जानी चाहिए लेकिन अभी तक रियल बंदे नहीं दिख रहे हैं, बहुत ही कम, 4 या 5 आ रहे हैं हर मैच में यार। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करो गाइस बीटा को। उसके बाद आज मैं आपको बताता हूँ गाइस कैसे हम लोग नई नई ट्रिक्स ढूंढते हैं हमारे बनाना इमोट से। तो बॉट बैच में तो आपको मालूम ही है कि ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते हो, बस जो आपके केले के छिलके हैं वो आप कोने कोने में फेंक सकते हो, जिससे कि हो सकता है कि कोई ना कोई चढ़ जाए और उससे बाहर हो जाए। तो इसमें कुछ ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स है नहीं गाइस बॉट बैच वाले मैप में। एक तो यार इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आपने फेंका आप उसी पर जाकर चढ़ सकते हो, और क्या होता है फेंकने से ना थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी होता है जिससे कि ऐसे आप पिटने लग जाओगे मेरी तरह। तो इसलिए देखोगे ना तो अपने गेम पे भी ध्यान देते रहना गाइस। और बाकी ये बंदों को देखो, ये लोग इतने खुश हैं, ये लोग खुद जाके ना छिलके पे पैर रख दे रहे हैं फिसलने के लिए। इन लोग को इतना मज़ा आ रहा है ना, जिसके साथ भी मैं खेल रहा हूँ जहाँ मैं फेंक रहा हूँ वहाँ जाके वो उस पर फिसल जा रहे हैं। पार हुए तो हुए भाई, उनको मज़े लेने से मतलब है अपने। तो ये है, तो अभी तो ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट मैप में आपको बताता हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। गाइस इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप तो यही है कि जिसके भी रास्ते पे आप ये छिलका फेंक दोगे तो उसको यार हिंड्रेंस हो जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ मैंने फेंक दिया लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ कि ये जो दरवाजा था पंखे का, इस पर टकरा के साइड में चला गया, जिससे कि उस बंदे के रास्ते में नहीं गिरा वो। तो ये भी आपको ध्यान देना है गाइस कि सही टाइमिंग पे आपको फेंकना है, सही जगह पे, तभी वो वर्क करेगा। तो इधर तो मैं लेट हो चुका हूँ केले के छिलके के कारण, तो हम जीत तो नहीं पा रहे कहीं से, और अभी मैं फेंकूंगा तो वो ज़्यादा दूर गिरेगा भी नहीं। तो नेक्स्ट मैच में देखते हैं जाके। अब जंगल रोल में कुछ ऑब्वियस पॉइंट्स है गाइस जहाँ पे आप ये बनाना इमोट का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि ये जो बीच में आइलैंड टाइप का आ रहा है मड के, यहाँ पे आप फेंक सकते हो क्योंकि यहाँ से बहुत लोग चल के जाते हैं पूरी भीड़ में, तो कोई ना कोई तो फिसलेगा ही। उसके बाद अगर आप इन लॉक्स पे फेंकते हो ना, ये देखो ग्लिच देख रहे हो भाई, मतलब मेरे साथ ही क्यों होता है, लगता है सिर्फ मेरे लिए ही प्रोग्राम किया गया है और किसी के साथ भी नहीं हो रहा। देखो हर बंदा वहीं स्पॉन हो रहा है, मैं ही स्टार्टिंग में स्पॉन होता है और मेरी ही गलती रहती है। तो कुछ ऑब्वियस पॉइंट्स रहते हैं गाइस, जैसे कि ये ब्रिज हो गया, वो आगे के स्टोन्स हो गए, वहाँ पे अगर आप अपने केले के छिलके फेंकोगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। और यहाँ भी अगर आप फिनिश लाइन पे फेंक देते हो जंगल रोल के, तो वहाँ भी आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा ये इमोट। इस मैप में तो यार खतरनाक यूज़ हो सकता है गाइस, बहुत ही तगड़ा यूज़ हो सकता है इस इमोट का। करना आप उन बंदों की टाइल्स पे फेंक सकते हो जिनको आपको नीचे गिराना है, और वो जैसे ही इस पे चलेंगे वो नीचे गिर जाएंगे गाइस फिसल के, और अगर एक आध टाइल बची होगी तो भाई वो तो नीचे ही गिर जाएगा। तो इसका बहुत ही तगड़ा यूज हो सकता है इस मैप में, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन अभी क्या है कि मेरे पास कोई है ही नहीं, हमें नीचे जाकर देखना पड़ेगा, कोई कॉम्पिटिटर हो अगर मेरा तो वो बराबर वाली टाइल पर चलेगा ना, तो मैं आपको गिरा कर दिखाऊंगा, मतलब ट्राई करेंगे हम लोग। जैसे कि ये बंदा भी आया, तो ये अगर यहाँ पे आता वैसे उल्टी साइड की चला गया भाई, जहाँ टाइल्स थी वो छोड़ के ये नीचे कूद गया है और मैं अकेला फंस गया यार। तो अभी मैं इसका यूज़ करके दिखा नहीं सकता, तो अभी हम लोग जीतने की भी ट्राई करते हैं फिर इसमें। यार मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे पास बहुत सारी टाइल्स बचेगी गाइस, लेकिन घूम फिर के मेरे पास भी उतनी ही टाइल्स हैं जितनी इसके पास है यार। तो हो सकता है मैं हार जाऊं, लेकिन देखते हैं, एक टाइल यहां पे और यूज कर सकते हैं हम इसका, और इसके पास भी ला ले, मेरे पास भी ला ले, और यहां पे क्या हुआ गाइस, थोड़े से बस थोड़े से डिफरेंस से जीत चुके हैं हम लोग। इस बार लॉक पे मार सकता हूँ मैं, देखो ये मैंने मारा लॉक पे, अरे यार ये तो नीचे ही फिसल के चला गया। और एक और चीज़ है गाइस, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इसका यूज एक और चीज से हो सकता है, जैसे कि आप किसी भी सामान पे मारोगे ना तो ये देखो टकरा के वापस आता है गाइस, किसी भी ऑब्स्टिकल पे मारोगे ना तो आपका जो बनाना है वो टकरा के वापस आ सकता है। तो इसका भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि पीछे मारना है, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज्यादा हाई आईक्यू वाला गेम प्ले चाहिए होगा गाइस। बाकी यहाँ पे नॉर्मल ब्रिज व्रिज में आप देख सकते हो लोग अभी तक खुद आके गिर रहे हैं वहां पे, लेकिन खुद आके नहीं गिरेंगे जैसे कि फाइनल होगा, तो इसलिए वहां पे आपके यूज में आ जाएगा ये।
और टाइल वॉल में तो तगड़ा यूज है गाइस इसका, आपको कुछ नहीं करना है, बस इनके सामने फेंक देना है गाइस, जहाँ पे भी ये लोग खड़े हो जाए है ना, और कोई आगे जा ही नहीं रहा हो तो आप बस उन पे फेंक दो, एक आध फिसल के अपने आप आगे चले जाएगा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आगे वाली टाइल रेड है कि ग्रीन है, और बाकी सब के लिए रास्ता बन जाएगा गाइस। तो जैसे देखो मैंने यहाँ फेंका, कोई इस पर चढ़ता है और आगे की तरफ गिरता है ना, तो वो सीधे वो रेड टाइल पे गिरेगा या ग्रीन टाइल पे गिरेगा, जो भी गिरेगा आपको समझ में आ जाएगा। अभी जैसे बहुत क्लोज है, मैं थोड़ा ना आगे मार के देखता हूँ। ये देखो जैसे मैंने फेंका तो कोई इस पर टकराया, ये देखो नीचे फिसला एक, वो तो खुद ही गिरा है, वैसे इंटेंशनली गया है वो। जैसे मैंने यहाँ फेंक दिया गाइस, तो कोई यहाँ से जा रहा होगा ना, ये देखो खुद ही गिर रहे हैं अभी तो। अभी तो मतलब सबको मजे लेने हैं, लेकिन बाद में कोई ऐसा नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ फेंक देता हूँ, तो एक आध बंदा इससे नीचे गिर भी सकता है गाइस, तो आपके लिए एक जगह बच जाएगी। जैसे अभी ये गिर गया, ये तो खुद ही गिर रहा है भाई, इसको क्या करना है भाई, मतलब खेलने नहीं आया, ये गिरने आया है आज। अभी देखो यहाँ पे भी हम लोग रास्ता रोक सकते हैं किसी का, जैसे कोई यहाँ पे आएगा, ये आ रहा है ठीक है, ये मैंने फेंका। ओ इतना दिमाग भाई, ये बॉट है, बॉट में इतना दिमाग कैसे आ गया भाई, केले का छिलका देख के मुड़ गया ये। अब स्पेस रेस में तो यार इसका यूज ना उतना खास है नहीं गाइस, क्योंकि इसमें अपने जैसे ये केला भी उड़ने लग जाता है, आप कहीं भी फेंकोगे ना तो वो नॉर्मल नहीं गिरेगा, वो बहुत ही दूर, मतलब नॉन ग्रेविटी जो हो रही है अपने साथ, एंटी ग्रेविटी जो चीजें हो रही है अपन उड़ रहे हैं वैसे, वो भी उड़ने लग जाता है, तो इसलिए करेक्ट पॉइंट पे गिरता नहीं, इसके लिए अलग कैलकुलेशन लगेगा, और बहुत ही तगड़ा वाला आइंस्टाइन वाला कैलकुलेशन लगेगा गाइस आपको किसी के ऊपर फेंकना है तो। इसलिए यार मैं तो रिकमेंड करूंगा इसमें मार के मतलब है नहीं, अपना टाइम वेस्ट मत करो, इससे अच्छा खेलो और जीत जाओ। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए कैसी हरकतें कर रहा हूँ कि मैं खुद ही हार गया भाई, वो बंदा मेरे से आगे ही निकल गया यार, मैं क्या करूँ अब। चलो छोड़ो, मैं तो वैसे भी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी अपन को जीतने में फोकस नहीं रखना है, तब भी एक ट्राई मारने के लिए अगर मैं बीच में से नहीं लेफ्ट से जाऊँ तो भाई वो जीती।